हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि जितने भी स्टूडेंट्स जो कि एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वाला अनाउंसमेंट करना है। वो क्या है इस वीडियो में मैं वही आपको समझाने वाला हूँ। क्या अनाउंसमेंट, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए ये बना रहा हूँ मैं वीडियो। ओके, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर बात करें, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आपको उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना, ये आपका मेन मोटिव है। तो अगर हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं सीएचएसएल के लिए तो आपका मेन मोटिव क्या है कि मुझे इस सीएचएसएल में आपको जॉब चाहिए, यही आपका मेन मोटिव है। तो जॉब कैसे मिलेगा? जॉब तभी मिलेगा जब आपका स्कोर 150 प्लस में हो, 150 160 इस प्लस में आपका स्कोर हो, ये आप मान के ही चलिए। क्योंकि सीएचएसएल का जो कट ऑफ है वो अगर आप ध्यान देंगे तो वो बहुत ज़्यादा रहता है, वो कम नहीं रहता। अगर आप कुछ ईयर का बात करें तो 150 इसलिए क्योंकि ये स्कोर आपको बहुत ही सेफ रखेगा। नहीं तो थोड़ा सा नहीं होता है, बाउंड्री पे आप रहते हैं तो टेंशन बना रहता है कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं भी गया, अगर यहाँ से अगर इतना स्कोर अगर आ गया डिस्क्रिप्टिव में 55-60 इतना मार्क्स भी आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर टाइपिंग निकाल लिए तो। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है कि मुझे 150 प्लस में स्कोर करना है, 150 160 इतना स्कोर करना है। तो ये 150 आएगा कैसे, ये आएगा कैसे, ये पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर अनाउंसमेंट करते हैं हम लोग। तो आएगा कैसे, तो रीजनिंग में अगर आपको किसी भी तरीके से एसएससी सीएचएसएल की रीजनिंग की बात हो रही है तो आपको 45 मार्क्स यहाँ पे लाना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर 45 मार्क्स तो नहीं आते हैं, 40, 38, 37 इतने तक में रहते हैं। तो ये कैसे 45 आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं पहले आपको इस स्कोर तक पहुँचाऊँ कि ये स्कोर कैसे आप यहाँ तक आएंगे। 45 अच्छे स्कोर माने जाएंगे, उसके बाद अगर आप एवरेज की बात करें तो 40 रख लीजिए, ठीक है 40 तक तो नहीं आइएगा ना। इंग्लिश की बात करें तो अभी जिस पैटर्न पे इंग्लिश आ रहा है उसमें आप 40 नंबर आराम से ला सकते हैं, 40 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं जिस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। तो 40 मार्क्स आप यहां से इंग्लिश से आप ले आइए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 40 नहीं पहुंचेगा, तो 35 तो लाइएगा ना भाई। तो ये एक अच्छा स्कोर है, ये मैं जनरल स्कोर बता रहा हूँ कि फिर भी आप कितने पीछे रहेंगे, पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, तभी आगे हम लोग सोचेंगे, ठीक है। मैथ्स की बात करें, अब क्योंकि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका मैथ्स तो अच्छा होगा ही होगा, या नहीं भी है तो आप अच्छा कर ही लेंगे। तो मैथ्स में मोटा मोटी आप मांगे चलिए 40 मार्क्स तो आप ले ही आइएगा, ठीक है 40 मार्क्स तो आप ले ही आइएगा। फिर बहुत सारे बोलेंगे सर मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है 40 मार्क्स नहीं तो 35 मार्क्स तो ले ही आइएगा। जीके की बात करें, अब जीके का क्या सीन है कि जीके अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप गड़बड़ हो जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम जीके को स्कीप कर दें तो कितना हो गया, 40 40 120 125 मार्क्स यहां से हो गए जीके को छोड़कर, और इसमें कितना हो गया 110 मार्क्स हो गया। अब बताइए हमको लाना है 150 मार्क्स, हमको लाना है 150 मार्क्स, इसके प्लस में हमको मार्क्स लाना है। और जीके अगर स्किप कर दिए तो ये अगर हम अच्छे अच्छे स्कोर को भी ऐड कर रहे हैं, क्या 40 मार्क्स इंग्लिश में कम है क्या, ये मैथ्स में 40 मार्क्स कम है क्या, रीजनिंग में 45 मार्क्स कम है क्या, तब भी आप पहुंच रहे हैं कितना 125 मार्क्स, यानी कि 150 लाने के लिए फिर भी आपको जीके में 25 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, और अगर आप देखें यहाँ पर 110, तब तो आपको इस स्कोर में चलेंगे, इस एवरेज स्कोर में, तब तो आपको 40 मार्क्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो समझिए कि जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैं आपको बता, तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जीके को स्किप कर देते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको कितना मेहनत करना, और जीके में ऐसा है कि आप 30 मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 30-35 मार्क्स आप इजली ला सकते हैं जीके में। थोड़ा सा ध्यान करना, इसी चीज़ पर चर्चा करना, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ये चीज़ हो गया। अब बात आती है कि ये 45 मार्क्स आएगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो स्पीड ही खराब है, वो अप्रोच, क्योंकि एसएससी में एक सर्टेन टाइप का अप्रोच होता है, वो अप्रोच को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये 45 मार्क्स या 40 मार्क्स कैसे आएंगे, इसके लिए आप क्या कीजिए कि एसएससी सीजीएल 2019 का आप सेट बनाइए, टीयर वन का आप सेट बनाइए रीजनिंग का, यहाँ से 22 सेट्स बनाइए, CPO वाले 9 सेट्स बना लीजिए, और 2018 वाले 18 सेट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए 30, 40, 49 सेट्स अगर आप बना लेते हैं,
49 सेट्स बनाने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये 45 मार्क्स कम हो गए, ये आप यहाँ पर 50 मार्क्स ले आ सकते हैं, ये मेरा दावा है। बस यही है कि थोड़ा सा 50 मार्क्स के लिए मैं हमेशा इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पर फिर 10 मिनट का जो टारगेट है वो 12-13 मिनट हो जाता है तो पेपर गड़बड़ हो जाता है। एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए जो हार्ड है उसको आप स्किप भी कर दें तो आपके मार्क्स पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर भी 45 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स के बीच में इसको अगर आप अच्छे से कर लिए, आप उस अप्रोच से जिस अप्रोच पे आपको सोचना चाहिए, रीजनिंग जो सोच आपसे चाहता है कि वो सोचे, एसएससी जो चाहता है आपसे सोचे, अगर उस तरीके से आप सोच लिए तो इस 49 सेट्स को बनाने के बाद आपके स्कोर 45 से लेकर 50 आ जाएंगे। अब मैं क्या अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, मेरी क्या मदद आपको मिलेगी, तो पहले तो मैं आपको बता दिया सोर्स कि आप यहाँ से कीजिए। अब मैंने सोचा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोले, पहले तो मैं सोच ही रहा था लेकिन उस थोड़ा सा मुझे लग रहा था पता नहीं करे या नहीं करे, बट फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर आप करवाइए। तो मैं ये 49 सेट्स में से 40 सेट्स जो है ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और मेरा अपना दावा है, ये मैं लिखित दे सकता हूँ कि ये 40 सेट्स जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया आपको, मुझे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको रीजनिंग आता नहीं है, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन जिस ऐप में जो अप्रोच आपको बताने की कोशिश करूँगा वो अप्रोच अगर आप ध्यान देकर समझ लिए तो फिर एसएससी में किस तरीके से रीजनिंग के साथ खेला जाता है, किस तरीके से ऑप्शंस के साथ खेला जाता है, वो उसमें आप माहिर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वो आप माहिर हो जाएंगे, ये चीज़ मैं आपके लिए ये यहाँ से कर रहा हूँ। अगर 40 सेट्स तक में अगर आप लोगों थोड़ा सा पेशेंस दिखा दिए तो 40 सेट्स डेफिनेटली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है आप ये मान के चलिए कि ये 40 सेट्स देखना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर का, ये सारे जिसको मैं पहले कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और इसका जो टाइम है रीजनिंग का, ये रीजनिंग का टाइम मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए दोपहर का टाइम रखें, ठीक है, या इवनिंग का टाइम रखें। और ये सब स्टार्ट होंगे आपके 10 अप्रैल से, ठीक है, 10 अप्रैल से ये मैं स्टार्ट करूंगा। और जो है ये स्टार्ट करके अभी एक दो दिन थोड़ा वीडियोस कम आएंगे क्योंकि मैं इसके प्रिपरेशन में लग जा रहा हूँ, क्वेश्चंस अरेंज करना, उसको सेट करना, ये सब करके, तो 40 सेट्स यहाँ से रीजनिंग के मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो एक वीडियो आपके रीजनिंग के रहेंगे जहाँ से ये आपका, इसका टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 40 सेट्स अगर आपने कर लिया, देख लिया, और मैं वीडियोस को बहुत शॉर्ट रखूँगा, ऐसा नहीं कि लेंदी प्रोसेस में वीडियो रखेंगे, 30 मिनट्स से लेकर 20 मिनट्स के बीच में मैं सोचूंगा कि रीजनिंग को पूरा करवा दूँ, तो ये वाले यहाँ से हो जाएंगे। तो एक टेंशन आपका खत्म हो गया रीजनिंग का कि अब आपको प्रीवियस ईयर कैसे करना है, क्या करना है, इसका टेंशन मैंने आपको ख़त्म कर दिया। और 40 सेट्स, और मैं ये बात के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चा 1 से लेकर 40 तक अगर देखे और फिर भी उसका रीजनिंग में अगर 45 मार्क्स से कम आ जाए, चलिए 40 मार्क्स अगर कम आ जाए तो वो मुझे कमेंट वहाँ कर सकता है कि सर मेरा ऐसे ऐसे कम मार्क्स आ गया, तो उसके बाद मैं रीजनिंग लाइफ में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग इंग्लिश में। अब इंग्लिश में 40 मार्क्स कैसे पहुँचे हम लोग, इंग्लिश में 40 मार्क्स कैसे आएगा, तो इंग्लिश में ऐसे आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में क्या होता है, वो कैप सेक्शन होता है, ग्रामर सेक्शन होता है और कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन होता है, यही तो तीन सेक्शन होते हैं। तो वो कैप सेक्शन से अराउंड 8-10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 मार्क्स के यहाँ से आ गए, क्योंकि 2-3 आपके idioms हो गए, 2 वन वर्ड हो गए, 2 साइनो एंटो मिस स्पेल्ड, ये सब मोटा मोटी लेके 8 क्वेश्चन रहते हैं, 16 मार्क्स के यहाँ से रहते हैं। ग्रामर में भी एक्टिव पैसिव नरेशन, उसके बाद आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब भी अराउंड 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको रहते हैं, ठीक है। तो वो कैप सेक्शन आपके प्रीवियस ईयर से आएंगे, ये फिक्स है, ये फिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ग्रामर सेक्शन यहाँ से भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे भी क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। तो मेरा काम, अब मेरा क्या रोल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे मैं आपको 40 मार्क्स तक के लिए आपको हेल्प करूँ। तो जितने भी वो कैप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, स्पेशली उसमें सारे इंक्लूड रहेंगे, पिछले 10 साल का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी ने पूछा है, उस 10 साल का सारा वो कैप का जो है आपसे 50-50 करके सारा आपसे टेस्ट ले लेंगे। बस ये रिविजन के लिए आपको करना है और इतना आप करके जाइए, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। 50 से लेकर 100 के बीच में, नहीं 50 आप मान के चलिए कि 50 idioms, 50 वन वर्ड, इस तरीके से डेली अल्टरनेटिव जो है मैं आपके साथ टेस्ट लूँगा और वहाँ पर आपको सब कुछ बता देंगे। आपको बस वहाँ आना है, और आपको पता ही है मेरे वीडियोस में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता नहीं है, तो मैं एकदम तेज़ी में ये सबको आपका क्विक रिविज़न करवा दूँगा, ठीक है। और भी अगर टाइम रहा तो ये सबको एडिशनल भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट, अगर वन वर्ड हुए, idioms हुए, मैंटो साइनो हुए, मिस स्पेल्ड हुए, तो ये मैं करवा दूँगा। और सारे के PDF जो होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके।
तो ये चीज आपका यहां से कंप्लीट। और ग्रामर का भी जो है प्रीवियस ईयर का मस्ट डू, 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो 5 साल में हुए हैं वो सबको मैं यहां से करवा कर आपको सब एक बार ओवरव्यू करवा देंगे। रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। तो ये इतना कर लीजिए, इंग्लिश में आराम से ग्रामर से आपके, सॉरी वोकैब से आपके 15 से 16 मार्क्स आप मान लीजिए, ग्रामर से आप मान लीजिए 15 मार्क्स, तो 30 मार्क्स से 35 मार्क्स तक का मैं आपको करवा रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन आप खुद से करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेली जो है 3 से 4 आप क्लोज टेस्ट बनाइए और 1-2 पैसेज बनाइए, नहीं तो आप 3-4 पैसेज बनाइए, 2 क्लोज टेस्ट बनाइए आप। तो ये आपका कंप्लीट, इंग्लिश का भी टेंशन खत्म आपका। अब बात आती है मैथ्स की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप मैथ्स पढ़ाते क्यों नहीं हैं। मैंने आपको समझाया भी है कि किस तरीके से मेरा लैपटॉप ख़राब है, मैं पहले लैपटॉप पे वीडियो बनाता था उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, लेकिन क्या हुआ कि मेरा लैपटॉप अब हैंग करने लगता है, हमेशा 3-4 मिनट चलेगा फिर आपका हैंग हो गया। जैसे कि मैं आपके लिए जो PDF भी तैयार करता हूं, तो ऐसा है कि अगर लैपटॉप ठीक रहे तो मैं उस PDF को 15 से 20 मिनट में बना सकता हूं, या चलिए आधा घंटे बना सकता हूं, लेकिन इस खराबी की वजह से मुझे 2 घंटे लग जाते हैं बनाने में, क्योंकि 4 मिनट चला फिर हैंग हो गया, सब कुछ स्क्रीन बंद हो गया, फिर उसको स्विच ऑफ किए, फिर उसके बाद जो है फिर हैंग हो गया, फिर तो इस तरीके से इतना इरिटेटिंग प्रोसेस से होने के बाद मैं PDF को तैयार कर पाता हूं। तो सोचे कि वीडियोस बनाएंगे तो फिर कुछ बोले फिर वो हैंग हो गया, फिर बोले फिर हैंग हो गया, इसकी वजह से मुझे मैथ्स की वीडियोस नहीं बनाने पड़ती है। और सोचिए मैंने आज तक कभी DU का यूज़ नहीं किया है, जो रिकॉर्डिंग वो मैं करके और उसके बाद जो है मुझे करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये मैथ्स जो है मैं स्पेशली SSC CGL 2019 के कम से कम 18 सेट में से 10 सेट तो आपको डेफिनेटली करवा दूंगा। अगर ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद अगर मार्केट्स खुल जाएंगे तो वहां से ठीक करके, लेकिन आने वाले टाइम में मैं मैथ्स को भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट सेट सब होते हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ और वो मैं करता भी रहूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मैथ्स का भी टेंशन नहीं लेना है, ये भी आपके हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप मैथ्स को 2 घंटा पढ़ाई करेंगे। GK की बात आ गई तो GK के लिए तो फिर मैंने आपको बोला है कि स्टूडेंट्स को कम से कम 30 से 35 मार्क्स लाना ही लाने हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी करेंट अफेयर्स के वीड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सारे करवा चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि कहाँ से करेंट अफेयर्स के वीडियोज़ आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं आपको बता दूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये आपके अगर री एग्ज़ाम नहीं हुए तो, लेकिन अगर फिर भी मार्च आप कीजिए। करेंट अफेयर्स ऐसा है कि आपको साल भर पढ़ना पड़ता है, अगर आप एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो साल भर आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो मार्च अप्रैल पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपके करेंट अफेयर्स जो करवाने का टेंशन है वो मेरा है। मैंने आपको बताया है कि 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के आते हैं, और अभी मैं आपके लिए हर दिन एक करेंट अफेयर्स का भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रिवीजन के तौर पे 10-20 क्वेश्चंस जो है करवाते रहेंगे। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टैटिक GK से, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस कंप्यूटर का, 15 क्वेश्चन ये हो जाएगा, ओके। ये 15 क्वेश्चंस यानी कि 30 मार्क्स, तो ये 30 मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएंगे अगर आप अच्छे से रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो, यहाँ से आ जाएंगे, इसके लिए टेंशन लेना भी नहीं। ये मैं हालांकि करवा भी रहा हूँ आपको, GK तो मैं करवा ही रहा हूँ, वो सब आपके हो जाएंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पर GK का भी टेंशन खत्म हो गया। तो ये सब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और इन सभी का ओवरव्यू एक बार मैं आपको समझा दूँ। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला जो आपको करना है कि 10 अप्रैल से मॉर्निंग में 7 बजे तक जो है आपको वोकैब सेक्शन चलेंगे, ठीक है। वोकैब ये आपको अटेंड करना है, एक वीडियो आपका ये रहेगा वोकैब का, जो कि वोकैब का वीडियो रहेगा जिसमें आपको 50-100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 1 वर्ड के, idioms के, साइनों के, एंटो के, इस तरीके से अल्टरनेटिव ये चलेंगे, और ये फिक्स है मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है। 7 बजे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लाइव का सिस्टम नहीं है, नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो लाइव टेस्ट आपसे ले लेंगे, इसको आप कमेंट करके आप बता देंगे, तो लाइव टेस्ट यहां से हो जाएंगे। तो हालांकि लाइव टेस्ट में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप फिर भी सजेस्ट करेंगे तो मैं लाइव लूंगा, नहीं तो वीडियोस अपलोड कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो है इसके 3 घंटे के बाद, ठीक है, इसके 3 घंटे के बाद अब चलेंगे आपके स्टैटिक GK या आपका GK, ठीक है, स्टैटिक GK
और करेंट अफेयर्स, अल्टरनेटिव जो है ये चलेंगे आपके स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स इसके तीन के बाद, यानी 7 हो गया तो 10 बजे तक जो है ये आपके स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स का अल्टरनेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके 3 घंटे के बाद 10 × 3 = 13 यानी कि 1 बजे के आसपास, ठीक है, एक बजे जो है आपका रीजनिंग आपका ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। रीजनिंग एक्सेप्ट हो गया आपका, ये चीज़ हो गया। उसके बाद 1, 3, 4 यानी कि 4 बजे तक जो है आपका एक ग्रामर का टेस्ट आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है, ग्रामर का आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 4, 3, 7 यानी कि 7 बजे तक जो है अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो रीजनिंग हमने करवाया, हमने मैथ्स, हमने जीके करवाया, ठीक है, उसके बाद हमने इंग्लिश करवाया, तो आपके इंग्लिश में वोकैब हो गए, ग्रामर हो गए, ये दोनों का टेंडर मैं ले रहा हूँ, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग की बात हो गई, रीजनिंग का एक सेट यहाँ से कंप्लीट हो गया। जीके की बात आ गई तो स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स जो है यहाँ से हो गए आपके कंप्लीट आपके, ठीक है। अब जो ये आपका 4 वीडियो तो इतने टाइम तक फिक्स है, रात में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात में अराउंड 10 बजे तक, ठीक है, आपके लिए 100 क्वेश्चंस के अराउंड में लाइव टेस्ट रात में, क्योंकि दिन में आप पूरा पढ़ाई कीजिए, रात में आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 10 बजे से लेकर जो है लाइव टेस्ट आपके साथ लेंगे। अब वो क्या लेंगे ये आप हर रात को 10 बजे आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा कि आज मैं किस चीज़ पर टेस्ट लेने वाला हूँ, तो ये आपके तैयारी को एकदम बूस्ट कर देगा। कम से कम मुझे पता है कि अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस पे पढ़ना भी चाहते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन मेरा इतना दावा है कि अगर यहाँ तक वो वीडियो देखे, अगर नहीं भी पढ़ना चाहते होंगे, तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि उनको पढ़ना कैसे है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ में मैं तो कामयाब मुझे लगता है कि हो गया होगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जिन भी सेक्शंस में दिक्कत होगा वो यहां से कंप्लीट करवा लेंगे। और जैसे ही आपका एक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा लॉकडाउन का, उसके बाद मैं आपका मैथ्स भी 10 सेट आपका एटलीस्ट करवा दूंगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होंगे, सारे चीज़ होंगे, वो सब मैं टाइम टू टाइम आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा, और 1 महीना एटलीस्ट इस चीज़ के अंदर में ये सब कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। 15 मई तक में ये सब आपका चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होगा, और एग्ज़ाम टाइम तो मैं आपके साथ हूँ ही। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी बात को सामने रखी है आपके, अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अप्रिशिएट करते हैं और इसको कितना आप लाइक करते हैं, ठीक है, और हो सके तो इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों के बीच में आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि कौन क्या करवा रहे हैं, और इसके लिए कोई आपसे तो मैं पैसे मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया है बहुत कुछ। अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल राय हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।